भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का मकसद एनर्जी ट्रांजिशन के केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करना है। आज के इस कार्यक्रम में सबसे अहम बात थी इथेनॉल पेट्रोल की बिक्री की शुरुआत। आज से भारत के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 84 पेट्रोल स्टेशनों पर E20 पेट्रोल मिलना शुरू हो गया है। E20 यानी कि फ्लेक्स फ्यूल का मतलब है कि फ्यूल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल की मात्रा होना। सरकार ने इस इथेनॉल युक्त पेट्रोल को 2030 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसकी आज 7 साल पहले ही 2023 में बिक्री की शुरुआत हो गई है। इससे देश की विदेशी मुद्रा को हो रहे भारी नुकसान के साथ साथ गाड़ियों में से निकलने वाले हानिकारक उत्सर्जनों में भी कमी आएगी। बता दें कि पिछले वित्त वर्ष में भारत का तेल आयात बिल करीब $119 अरब था। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। इस आयात में भारत का सबसे ज्यादा खर्च आता है। इस खर्चे को कम करने के लिए ही भारत सरकार नए नए तरीके खोज रही है और अलग अलग योजनाओं पर काम कर रही है। देश में एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं जिनमें समय बचेगा, इससे ईंधन की खपत कम होगी और साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा होगी। इसी कड़ी में सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करने के लिए भी महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिक्सिंग का लक्ष्य 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया गया था। 20% ब्लेंडिंग का ओरिजिनल टारगेट 2030 था, लेकिन इसे पहले 2025 किया गया और अब 2023 में इसकी शुरुआत कर दी गई। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों है जरूरी? ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर जोर दे रही है। साल 2013-14 से देश में इथेनॉल का उत्पादन 6 गुना बढ़ा है। इससे देश को न केवल 54,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी 318 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है। इससे किसानों की आय भी बढ़ी है। 2014 से 2022 तक किसानों को 49,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया गया। सरकार ने 2025 तक देश में पूरी तरह से E20 ईंधन की बिक्री का लक्ष्य रखा है और साल 2023 में ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत हो गई है। इसकी बिक्री और बढ़ाने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 2G-3G इथेनॉल प्लांट्स स्थापित कर रही है। आइए जान लेते हैं इथेनॉल के बारे में और ये कैसे बनता है। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन यानी कि उसे तोड़कर बनाया जाता है। इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने के रस, मक्का, सड़े आलू, कसावा और सड़ी सब्जियों से तैयार किया जाता है। आखिर ये फ्लेक्स फ्यूल से फायदा क्या होगा, क्यों सरकार इस पर इतना जोर दे रही है? फ्लेक्स फ्यूल के फायदे, इससे प्रदूषण कम होगा। गाड़ियां 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगी। आम आदमी को सस्ता ईंधन मिलेगा। इथेनॉल फसलों से बनेगा, इसलिए किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि इथेनॉल 2 प्रकार से तैयार किया जाता है, एक फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल तो दूसरा सेकेंड जनरेशन इथेनॉल। किन चीजों का होता है इस्तेमाल? फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल में गन्ना, चुकंदर, आलू और ज्वार का प्रयोग किया जाता है, तो वहीं सेकंड जनरेशन इथेनॉल को बनाने में चावल, गेहूं, भट्टा और बांस का इस्तेमाल होता है। कहां मिलेगा ये फ्लेक्स फ्यूल? दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, दमन दीव और दादरा और नगर हवेली का नाम शामिल है। फेज 1 में 15 शहरों को कवर किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फ्लेक्स की कीमत 60 से 62 रुपए प्रति लीटर हो सकती है। आइए अंत में सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनर्जी इंडिया वीक के कार्यक्रम में क्या कहा। फ्रेंड्स, बायो एनर्जी के क्षेत्र में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल अगस्त में हमने एशिया की पहली 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी की स्थापना की। हमारी तैयारी इस तरह के 12 कॉमर्शियल 2G इथेनॉल प्लांट्स बनाने की है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और रिन्यूएबल डीजल की कॉमर्शियल उपयोगिता की दिशा में भी हमारे प्रयास जारी है। इस साल के बजट में हमने गोवर्धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स बनाने का ऐलान किया है। इसमें 200 कॉम्प्रेट बायोगैस प्लांट्स और 300 कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।